Hello students, this video is for class 8 science, and today we are going to see the revision of lesson force and pressure. Okay, so first of all we are going to solve some questions based on force topic. Today we are going to cover the force topic. Okay, aap aapki notebook aur pen leke baithiye. Questions hum discuss karenge, and then every question you have to write in your notebook. Okay, see what is the first question. First question is define force. Define force. Force ka meaning kya hai? Hum sab jante hai ki what is force. Force is, maine short mein likha hai uska answer. Haan, force is a push or pull applied to an object. Okay, what is force? Force is a push or pull applied to an object. That is the definition of force. आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. फोर्स इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ विच देर इज ए चेंज इन स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. स्टेट मतलब नॉट स्टेट ऑफ रे, स्टेट ऑफ मतलब सॉलिड लिक्विड एंड गैस स्टेट नहीं. स्टेट्स कौन थी? स्टेट ऑफ रे, स्टेट ऑफ मोशन. ठीक है, दो वेज में आप डेफिनेशन लिख सकते हो. पहली, फोर्स इज द पुश और पुल applied to an object, और दूसरी, force is the interaction between two objects which is responsible for the change in state of an object. ठीक है, question number 2, what is the unit of force? unit के क्या है force के? force का unit है, पहला unit तो force का है newton, जिसको short में आप लिख सकते हो n, capital N. ठीक है, ऐसा यूनिट फोर्स का है न्यूटन. ऐसा यूनिट क्या है फोर्स का? फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन. एंड व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स? सीजीएस यूनिट फोर्स का है डाइन विद स्मॉल डी. दिस इज द सिंबल ऑफ डाइन. ओके, डी वाई एन ई. ओके, राइट. ऐसा यूनिट न्यूटन, सीजीएस यूनिट डाइन. यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता रही हूँ, ये भी आपको नोट करनी है आपके बुक में, कि वन न्यूटन, न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशन क्या है? 1 न्यूटन इक्वल टू 10 रेस टू 5 डाइन. नोट, 1 न्यूटन इज इक्वल टू व्हाट? 10 रेस टू 5 डाइन. ठीक है, ओके, दिस इज सेकंड क्वेश्चन. नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. इज फोर्स ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? फोर्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? इसके लिए आपको याद होगा मैंने डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन की थी कि जिस क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन होती है, ऐसे क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज. स्केलर क्वांटिटीज़ नीड ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, एंड इफ देर इज ए नीड ऑफ डायरेक्शन एज वेल, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें अगर ज़रूरी है तो हम उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. है ना, फोर्स जो है, फोर्स को सिर्फ आप मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो. अगर कोई चीज़ है आपके पास तो आपको क्या करना पड़ता है, वो चीज़ पे की मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है, ये आप तभी बता सकते हो जब आपने फोर्स की डायरेक्शन बताई. इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ये कब बता सकते हो आप? जब आपने फोर्स की डायरेक्शन मेंशन की तभी. ओके, सो वी कैन से दैट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोर्स magnitude and direction both are necessary, that is why force is a vector quantity. Okay, so what is the answer of this question? Question number 3, force is a vector quantity. It is a vector quantity. Theek hai, let us move to the next question. Identify the following as push or pull. आपको कुछ options दिए हुए हैं, वो push type के हैं कि pull type के, force exert किया जा रहा है. You have to identify where it is, whether it is push type force or pull type force. Okay, opening a tiffin box. Opening a tiffin box. जब आप tiffin box open करते हो तो उसको आप, उसके ढक्कन को आप खुद की तरफ खींचते हो, है ना? तो खुद की तरफ खींचना means which force? It is a kind of pull. First type of force is pull type of force. Striking a shot in carom. ये carom की अगर आपका striker है, आप इसको क्या करते हो, इसको आप इधर से फोर्स अप्लाई करते हो, फिर ये इधर जाता है. इस तरह से मोशन होता है ना स्ट्राइकर का. तो ये किस टाइप का फोर्स है? आप से दूर उसको क्या कर रहे हो, धकेल रहे हो ऑब्जेक्ट को. दिस इज़ ए पुश टाइप ऑफ फोर्स. दिस इज़ व्हाट?
it is a push type of force. Striking a shot in carom, push type of force. Sucking on a straw, आप जब जूस को सक करते हो स्ट्रॉ के अंदर, क्या करते हो आप, ये आपका स्ट्रॉ है ग्लास में डाला हुआ, आप इधर से खींचते हो इसको, इधर से खींचते हो और लिक्विड ऊपर की डायरेक्शन में आता है, मतलब ये किस तरह का फोर्स है, दिस इज ए, यस इट इज़ ए पुल टाइप ऑफ फोर्स, इट इज़ व्हाट, इट इज़ ए पुल टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। तो पहला जो है ओपनिंग ए टिफिन बॉक्स पुश है, सॉरी ओपनिंग ए टिफिन बॉक्स पुल है, स्ट्राइकिंग ए शॉट इन कैरम पुश है, सकिंग ऑन ए स्ट्रॉ पुल है, ओके। सो हमने फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5C, व्हाट आर डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को जब फोर्स अप्लाई करते हो तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, विच थिंग्स आर पॉसिबल व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, क्या क्या हो सकता है व्हेन यू अप्लाई, अभी ये मैंने चार्ट के फॉर्म में ड्रॉ किया है, आपको चार्ट नहीं आपको सिस्टमेटिक इसका आंसर लिखना है, ओके, वर्ड्स में मैंने हिंट यहाँ पे सिर्फ प्रोवाइड की है, वेन एवर ए फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट देर इज चेंज इन टू थिंग्स, नंबर वन देर इज चेंज इन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट और देर इज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप चेंज होता है, इसका एग्जाम्पल जब आप स्पंज को प्रेस करते हो उसकी साइज थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है ना, दैट इज चेंज इन शेप, स्टेट ऑफ मोशन का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट टू मोशन में, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजिशन पे है तो वो मोशन में जा सकता है बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है मूव हो रहा है और आपने ब्रेक मारे तो वो रेस्ट पोजिशन पे आता है ना, बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यू कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ओके। सो दीज आर टोटल हाउ मेनी टाइप्स, 1, 2, 3, 4 and 5, फाइव डिफरेंट चेंजेस आर पॉसिबल बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वॉट आर दे, नंबर वन चेंज इन शेप, नंबर वन चेंज इन द पोजिशन रेस्ट टू मोशन, नंबर थ्री द चेंज इन मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, नंबर फोर चेंजिंग द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दीज आर डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ओके ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you mean by balanced and unbalanced force? ये दो definitions आपको देखनी है, balanced force का मतलब क्या और unbalanced force का मतलब क्या। Whenever we are talking about balanced and unbalanced force, we are talking about more than two forces acting on an object. एक object है आपके पास, See, this is an object, और ये object के ऊपर एक से ज़्यादा forces act हो रहे हैं, Okay? एक से ज़्यादा forces इस object के ऊपर act हो रहे हैं, This is one direction of force and this is another direction of force. अभी देखो ये forces की values जो है, ये if these two forces are of same magnitude but exactly opposite direction, then they cancel each other and the net force acting on an object is what? It is equal to zero, है ना? अगर object पे act होने वाला net force अगर zero है, we say that these forces acting on that object are balanced. इस केस में हम क्या बोलते हैं, हमारे forces कैसे हैं, balanced forces हैं, okay? लेकिन अगर situation ऐसी नहीं है, मतलब for example एक object है आपके पास, ये object को आपने क्या किया, इस direction में force apply किया और दूसरा force आपने opposite direction में exert किया, अभी देखो आपको देखते बराबर पता चलेगा कि यहाँ पे magnitude ज़्यादा है, किस side में magnitude ज़्यादा है force का, इस साइड में फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे है, ज़्यादा है, मैंने इसको F1 बोला और इधर अगर F2 बोला मैंने, तो क्या होगा, F1 की वैल्यू ज़्यादा है F2 के कंपैरिजन में, तो ये दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल नहीं कर सकेंगे एंड देयर विल बी सम मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना। तो ये जो सिचुएशन है इसे हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू जीरो, when the net force acting on an object is not equal to zero, then the force is called as what? It is called as unbalanced force, okay? तो यही आपको लिखना है यहाँ पे, what is the question C? What do you mean by balanced and unbalanced force? What do you mean by balanced and unbalanced force? The, if
more than one type of forces acting on an object and the net force acting on it equal to zero, then we called that the force acting on it is balanced force. Okay, and if the net force acting on an object is not equal to zero, then the force is called as unbalanced force. ठीक है, ये दो definitions आपको इस question के answer में लिखनी है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Question number 7. How will you identify whether a force is balanced or not? आपने किसी चीज़ के ऊपर force exert किया, वो force balanced है कि नहीं? How will you identify? इसके explanation में हम क्या बोलेंगे कि जैसे हमने अभी consider किया था कि जब भी आप कोई balanced force consider करते हो, suppose ये object है आपका, है ना, और ये ऑब्जेक्ट को आपने क्या रखा है, एक सरफेस के ऊपर रखा है. व्हाट विल हैपन इफ द फोर्स इज बैलेंस्ड? अगर फोर्स बैलेंस है, नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट होने वाला अगर जीरो है, अभी ये सिचुएशन में देखो ये क्या करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने वेट जितना फोर्स एग्जर्ट करता है, और अपवर्ड डायरेक्शन में ये जो टेबल है ये इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करती है, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं हम उसे. ये दो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो इस सिचुएशन में नेट फोर्स जीरो है. जब नेट फोर्स जीरो होता है ना, तो ऑब्जेक्ट जो है जहाँ पे है वहीं पे रहेगा. ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव, ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स स्टेट. ओके, ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होती है क्या? नहीं होती है. कब? जब बैलेंस फोर्स उसके ऊपर एग्जर्ट होता है तब. तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, कि व्हाट डू यू मीन, ये तो किया हमने, हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर ए फोर्स इज बैलेंस और नॉट. हम बोल सकते हैं कि इफ द देर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ देर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट, वी कैन से दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज बैलेंस्ड फोर्स. ओके, द चेंज इन स्टेट happens only in case of unbalanced force. Okay? तो अगर object motion में आ रहा है, object की speed change हो रही है, object का shape change हो रहा है, या object रुक गया है, ये सारी चीज़ें आपको बताती है कि there must be an unbalanced force acting on it. Okay? तो answer लिखो, if there is no change in the state of an object, it means that इट इज़ अंडर द इफेक्ट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, आप आपके लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हो, नॉट नेसेसरीली मैं जो बोल रही हूँ वो लैंग्वेज में लिखो, जो लैंग्वेज आपको सूटेबल है वो लैंग्वेज में आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो. ओके, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट, वॉट डू यू मीन बाय कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस? कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या? वॉट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स ऐसा फोर्स जो आप एग्जर्ट करते हो बाय एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि अगर किसी ने कैरम का ये स्ट्राइकर है, ये स्ट्राइकर को अगर आपने इसको अगर पुश किया तो ये इस डायरेक्शन में क्या होगा, मूव होगा, होगा ना. तो ये जो फोर्स यहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है दो चीज़ों के बीच में, अगर कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो मोशन होगा ही नहीं. ऐसा जो फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स. दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स. एंड इफ देर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंड स्टिल फोर्स इज एग्जर्टिंग, देन इट इज कॉल्ड एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज वॉट? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके, राइट द डेफिनेशन. द फोर्स विच इज एग्जर्टिंग विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इट इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स. एग्जाम्पल दो इसका, मस्क्यूलर फोर्स. And when there is no direct contact between two objects at the time of exertion of force, then it is called as non-contact force. Okay? Example do iska gravitational force. ठीक है? Now question number 9 है. Complete the chart. ये chart दिया है आपको, इसको complete करने के लिए बोला है. Force के दो types. एक अगर contact है तो दूसरा क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा नाम? कॉन्टैक्ट फोर्स है तो सेकेंड आएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. बराबर, कॉन्टैक्ट के एग्जाम्पल में लिखो, यहाँ पे क्या आएगा? मस्क्यूलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स
एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, चार्ट कंप्लीट करो. ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके नोटबुक के अंदर सॉल्व करने हैं. ओके, और इसके बाद में उसका फोटो निकाल के ग्रुप के ऊपर डालना है. ठीक है, प्रेशर की रिवीजन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.